आप जब T20 में बॉलिंग करते हो, T20 में आपका स्ट्रेंथ है पावर प्ले में, जैसे रिकॉर्ड्स प्रूव करता है, वनडे में पावर प्ले डिफरेंट होता है, तो दोनों फॉर्मेट्स के टेकिंग इनटू अकाउंट द टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, आपका वो माइंडसेट और थॉट प्रोसेस कैसा डिफर करता है? मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट इस सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि T20 में आपको मालूम है कि सिर्फ आपको बचना है, कि आपको मारनी खानी, अगर आप 4 ओवर डाल रहे हो, 24 रन दे रहे हो, कोई विकेट नहीं ले रहे हो, दैट इज़ गुड बॉलिंग। बट एज टेस्ट मैच में आपको सिर्फ अटैकिंग बॉलिंग करनी है, आप रन दे रहे हो पर विकेट ले रहे हो, आप टीम के लिए अच्छा है। बट वनडे के अंदर आपको दोनों मिक्स करना होता है, कि आपको विकेट भी लेना है, कम भी रन देने हैं, और आपको सिचुएशन रीड करना चाहिए कि इस टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, मतलब कि आपको रन रोकना है, इस बैट्समैन को इसको आउट करने के जाना है। तो आई थिंक वन डे इज़ मोर डिफिकल्ट देन बोथ दी फॉर्मेट्स। तो उसमें ही आई बीन यू नो आई प्लेड लॉट ऑफ वन डे क्रिकेट विद इंडिया ए साइड, तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिला है, तो अभी थोड़ा आइडिया है। मैं हमेशा बीच के ओवर्स में स्ट्रगल करता था पहले, कि मुझे बीच के ओवर्स में कैसा बॉल डालना है, क्योंकि पावर प्ले में यू नो कि 2-3 ओवर स्विंग हो, उसके बाद में आपको रन कंटेन करना है, डेथ में यू नो कि आपको मारने जाएंगे, बचना है, तो जो बीच के ओवर्स होते हैं उसमें कैसे बॉलिंग करना है, वो आई हैव गॉटन बेटर इन दैट। तो अभी सीख रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी 2 ही मैच हुए इंटरनेशनल में, काफ़ी मैचेस हैं आगे खेलने को, तो और सीखता रहूँगा।